हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर गेम की 50 टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ। बेसिकली क्या मन देने वाला हूँ, लास्ट में एक बोनस टिप भी बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन, खेलो लो ग्राफिक में। अगर आपके फ़ोन में 1 GB रैम या 2 GB रैम है तो आप लो ग्राफिक पे खेलो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका गेम लैग नहीं होगा और आप अच्छे से खेल पाओगे। टिप नंबर टू, यूज़ नेट। अगर आप किसी एनिमी के घर में रश कर रहे हो तो कोशिश करो कि रश करने से पहले एक आध नेट अगर आपके पास हो तो नेट कर दो। उससे क्या होगा, एनिमी इधर उधर भागने लग जाएंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि एनिमी कितने एनिमी हैं और किस किस जगह पर हैं। टिप नंबर थ्री, अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप स्मोक भी कर सकते हो, उससे भी एनिमी डिस्ट्रैक्ट होंगे और इधर उधर भागने लग जाएंगे। टिप नंबर फोर, यूज़ ईयरफोन और हेडफोन्स। अगर आप गेम खेल रहे हो तो कोशिश करो कि हेडफोन लगाकर, नहीं तो ईयरफोन लगाकर खेलने की, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर एनिमी किस साइड से आ रहा है। टिप नंबर फाइव, तो भागते भागते बेसिकली बीच में क्राउच करते रहना, जिससे अगर कोई एनिमी आपके ऊपर हेडशॉट लेके बैठा हो तो वो हेडशॉट आपके ऊपर ना लगे। तो कोशिश करना कि भागते भागते बीच बीच में क्राउच होने का। टिप नंबर सिक्स, अगर लास्ट जोन में आपके पास कोई भी कवर नहीं है तो अगर आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी को अपना कवर बना सकते हैं। गाड़ी को आगे खड़े करके उसके पीछे जाके आप प्रोन हो जाएंगे तो एक तरह से आपके वो कवर का काम करेगा। टिप नंबर सेवन, अगर आपको अपनी स्किल इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए आप क्लैश स्क्वाड मैच खेलिए, क्योंकि उसमें अगर आप मर जाते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे बल्कि आपकी स्किल इम्प्रूव होगी। टिप नंबर एट, अगर आप एनिमी से फाइट कर रहे हो और जोन आने में 5-10 सेकेंड रह गया है तो आप प्रेफर करो कि जोन में जाने का, क्योंकि अगर आप मान लो एनिमी को मार भी देते हो तो जोन से फिर आप मर जाओगे, तो इससे अच्छा आप प्रेफर करा करो जोन में जाने का पहले। टिप नंबर नाइन, अगर आपने किसी एनिमी को मारा है और उसे लूटने जा रहे हो तो कोशिश करो कि स्मोक डालकर लूटना, क्योंकि अगर लूटते लूटते अगर आपको कोई मार देगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए कोशिश करा करो कि स्मोक डाल के उसकी पेटी पे तब उसे लूटो। टिप नंबर टेन, अगर आप हीलिंग कर रहे हो ओपन में तो कोशिश करा करो कि बार बार आप ऐसे क्राउच होकर हीलिंग करना, क्योंकि उससे क्या होगा अगर आपको कोई एनिमी हेडशॉट मारने की कोशिश करेगा तो आपका हेडशॉट मिस हो जाएगा। टिप नंबर 11, अगर आखिर के जोन्स में कोई भी कवर नहीं है और एक आध घर ही बाकी है तो आप तो प्रेफर करा करो कि सबसे पहले घर में जाने का। मान लो अगर जोन लास्ट का बना है ऐसे एरिया में जहाँ पे सिर्फ एक ही घर है और आप उस घर पे हो तो आप एनिमी को इजिली स्पॉट करके उसे मार सकते हो। टिप नंबर 12, अगर आप ऐसे ओपन में भाग रहे हो तो कोई भी एनिमी आपको देख के मार सकता है, इसलिए कोशिश करा करो कि ग्लू वॉल से दीवार बना के भागने का, या फिर कवर टू कवर, मतलब इस पेड़ से उस पेड़, फिर उस पेड़ से उस पेड़, ऐसे करके भागने का। टिप नंबर 13, अगर आप ओपन में भाग रहे हो तो कोशिश करो जिगजैग भागने की, मतलब आप अपने प्लेयर को ऐसे क्राउच, उसके बाद टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके भागाने की, जिससे अगर कोई एनिमी आपको गोली मारेगा तो उसके बहुत सारी गोली मिस हो जाएंगी। टिप नंबर 14, प्ले ऑन हाई सेंसिटिविटी। तो आपको बेसिकली क्या करना है, सेटिंग में जाना है और जो आपकी जनरल वाली सेंसिटिविटी होती है उसको आपको हाई पे कर लेना है, उससे क्या होगा आपकी मूवमेंट फास्ट हो जाएगी थोड़ी। टिप नंबर 15, आपको VSS गन चलाना चाहिए, उससे क्या होता है कि उससे मैप पे कोई भी मार्क नहीं आता, और अगर आप कहीं से छुप के किसी एनिमी को मार रहे हो तो उससे आप इजीली मार सकते हो, क्योंकि मैप पे तो कोई मार्क ही नहीं आता कि बंदा कहाँ से मार रहा है। टिप नंबर 16, आपका जो ये भागने का एरो होता है ना, जिससे आप एक बार क्लिक करते हो तो आपका कैरेक्टर भागने जाता है, उसे आप उसकी आप साइज़ बढ़ा कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको भागने में आसानी होगी, करके देखना। टिप नंबर 17, अगर आपने किसी एनिमी को नॉक कराया है तो ये फोकस मत करो उसे किल करने पे, बाकी उसके बाकी टीममेट को मारने पे फोकस करो, क्योंकि अगर आप उसके जिसको आपने नॉक कराया आप उसको मारने पे फोकस करोगे तो उसके टीममेट आपको मार देंगे, इससे आपको एक एक किल मिलेगा, और अगर आप उसके टीममेट को मारने जाते हो तो आपको हो सकता है कि 2-3 किल और एक्स्ट्रा मिल जाए। टिप नंबर 18, ट्राई करो AKM गन चलाने का, क्योंकि उसका डैमेज AR गन में सबसे ज़्यादा है, तो अगर आप AKM गन चलाते हो तो ज़्यादा चांसेस है आपके फाइट जीतने की। टिप नंबर 19, अगर आपके पास व्हीकल है तो और लास्ट जोन में कोई भी घर नहीं है, पूरा ओपन है, तो आप कोशिश करो कि व्हीकल चला के एनिमी को मारने का। टिप नंबर 20, अगर आपके घर में रश हो रहा हो तो आप नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 2-3 नेट डाल दो, जिससे क्या होगा अगर वहाँ पे एनिमी खड़ा होकर TPP ले रहा होगा तो वो उसमें से हो सकता है 1-2 एनिमी नॉक हो जाए। टिप नंबर 21, अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप स्मोक भी ग्राउंड फ्लोर पे फेंक सकते हैं, जिससे एनिमी का व्यू ब्लॉक हो जाएगा और आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा फाइट लेने के लिए। टिप नंबर 22, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपको कोई एनिमी मार रहा है तो कोशिश करो जिगजैग चलाने का, मतलब तिरछा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलाने का, जिससे क्या होगा कि एनिमी की बहुत सारी गोलियां मिस हो जाएंगी। टिप नंबर 23, अगर आप
सामने सामने किसी एनिमी से फाइट ले रहे हो आमने सामने, तो कोशिश करो कि अलग अलग खिड़की, मतलब अलग अलग खिड़की से झांक के मारने का, क्योंकि अगर आप एक ही खिड़की से बार बार देख के मारोगे तो उसे पता चल जाएगा कि आप उसी खिड़की से फिर अगली बार झांकने वाले हो, तो उसी पे एम लेके आपका एनिमी बैठा रहेगा और आपको एक ही बार में मार देगा। तो कोशिश करो करो कि अलग अलग जगह से पीक देकर एनिमी को मारने का। टिप नंबर 24, अगर आप अपने टीममेट को रिवाइव दे रहे हो तो कोशिश करो कि पहले ग्लू वॉल से दीवार बना लेने की, उसके बाद रिवाइव दो। अगर ग्लू वॉल नहीं है तो स्मोक करके आप अपने टीममेट को रिवाइव करो, क्योंकि उससे अगर कोई एनिमी देख नहीं पाएगा और आप इजिली अपने टीममेट को रिवाइव कर लोगे। टिप नंबर 25, यूज 4x स्कोप। अगर आपकी सेंसिटिविटी हाई नहीं है, नॉर्मल पे आप खेलते हो, तो 4x स्कोप आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उससे क्या है, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा व्यू मिलेगा और आप एनिमी को इजिली स्पॉट करके मार सकते हो। टिप नंबर 26, अगर आपके पास दो हेलमेट है, मतलब एक आपके पास ऑलरेडी है और आपको एक हेलमेट और मिल जाता है, तो अपने आप वो टीममेट को दे सकते हैं, उसके आप उसको मार्क कर दीजिए, आपका टीममेट उसे ले लेगा, आपके टीममेट की भलाई हो जाएगी। टिप नंबर 27, अगर आप ड्रॉप लूटने जा रहे हो तो यहाँ पे भी मैं वही बताऊंगा कि ग्लू वॉल से दीवार बनाकर लूटो या फिर स्मोक करके लूटो। टिप नंबर 28, अगर आप स्क्वाड मैच खेल रहे हो तो कोशिश करो कि अपने टीममेट से बात करके मैच खेलने की, क्योंकि उससे क्या होगा, आप क्या करने वाले हो, आपके टीममेट क्या करने वाले हैं, आपको उसके बारे में पता होगा और आप एनिमी को इजिली स्पॉट करके मार सकते हो। टिप नंबर 29, अगर आप स्क्वाड मैच खेल रहे हो तो अकेले मत रहो, अपने स्क्वाड के साथ रहो, क्योंकि अगर आपके पीछे कोई एक स्क्वाड पड़ेगी ना, तो आप अकेले किसी को भी मार नहीं पाओगे। टिप नंबर 30, अगर आपके पास व्हीकल है तो प्रेफर करो कि आप लास्ट जोन तक अपने व्हीकल को अपने साथ रखने की, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर लास्ट जोन में ओपन में जोन बनता है तो आप व्हीकल को एज अ कवर यूज कर सकते हो। टिप नंबर 31, अगर आप डुओ या स्क्वाड मैच खेल रहे हैं और आपके सामने एनिमी है, आप एनिमी से फाइट ले रहे हो, तो आप ये कोशिश करा करो कि अपने टीममेट को बोलो कि रोटेट करने के लिए और आप वहीं से फायर करो, ताकि एनिमी को तो ये लगेगा कि आप वहीं पर हैं और आपके टीममेट रोटेट करके पीछे जाके उस एनिमी को मार देंगे। टिप नंबर 32, कई लोग ये सोचते हैं कि वेस्ट और हेलमेट से ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन आपको नहीं पता, वेस्ट और हेलमेट से आपकी बहुत ज़्यादा मदद होती है, बल्कि आप जल्दी मरते नहीं हो। अगर आपको एनिमी मारता है तो सबसे पहले तो आपके वेस्ट को डैमेज होगा, उसके बाद आपको डैमेज होगा, तो इसलिए प्रेफर करो कि वेस्ट और हेलमेट को हर मैच में ले लेने की। टिप नंबर 33, अगर आपके सामने एनिमी है तो ऐसे मत बताओ अपने टीममेट को यहाँ पे एनिमी है, वहाँ पे एनिमी है, आप उसे मार्क करके बताओ या फिर उसे डिग्री होता है जो, उसकी मदद से आप बताओ कि यहाँ पर एनिमी है, ताकि आपके टीममेट को एनिमी स्पॉट करने में आसानी हो। टिप नंबर 34, डोंट ओवर लूट। आपकी जितनी ज़रूरत है आपको उतनी लूट करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो चलाएंगे तो 100 गोली भी नहीं, लेकिन 300 गोली बैग में उनको भरना ज़रूरी है, तो इसलिए ज़्यादा लूट करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको जितनी ज़रूरत है उतनी लूट करो, उसके बाद जाके एनिमी से फाइट करो, उसके बाद उसकी लूट ले लो, तो ऐसे करना चाहिए आपको। टिप नंबर 35, अगर आप सोलो मैच खेलते हो तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एक ऑटो गन रखिए और एक दूसरा जो होता है वो आपको AWM गन रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सोलो में अगर आप दूर से फाइट लेते हो तो आप एक ही गोली में एनिमी को आराम से ख़त्म कर सकते हो। टिप नंबर 36, सबसे पहले अपने फ़ोन में यूट्यूब ओपन करो और वहाँ पर सर्च करो GKV हिंदी गेमर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उससे क्या होगा कि आपको ऐसे ही प्रो बनने वाले टिप मिलते रहेंगे, जिससे कि आपको एक प्रो प्लेयर बनने में मदद मिलेगी, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। टिप नंबर 37, मान लीजिए आपको राइट साइड जाना है और एनिमी आपके सामने हैं, तो आप ऐसा करिए कि अपने लेफ्ट साइड में स्मोक कर दीजिए, जिससे एनिमी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और उनको लगेगा कि आप लेफ्ट साइड जाने वाले हैं, लेकिन आप ऐसे राइट साइड में भाग सकते हैं, मतलब बेसिकली आप एनिमी को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। टिप नंबर 38, अपनी हेल्थ को हमेशा फुल रखो, बूस्ट रखो, उससे क्या होगा कि आपके भागने की जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। टिप नंबर 39, ये कोशिश करा करो कि हर मैच में आपके पास कम से कम आपके पास 5 से 6 ग्लू वॉल तो हो ही हो, क्योंकि क्या पता एनिमी कहाँ से आपको मारने लग जाए, तो उसमें ग्लू वॉल ही आपको सेव कर सकता है। टिप नंबर 40, अपने लूट को बचाओ मत। अगर आपके पास 10 फर्स्ट एड किट है तो यूज़ करो, कोशिश ये करो कि उसे यूज़ करने की, उसे बचा के आप क्या करोगे, क्योंकि मैच ख़त्म होने के बाद वैसे भी वो लूट तो आपके पास से चली जाएगी, तो इसलिए कोशिश करो कि अपने जो आपने सामान लूटा है उसे यूज़ करने की। टिप नंबर 41, अगर आप अपने लूट को यूज़ नहीं कर सकते हो तो अपने टीममेट को दे दो, आपके टीममेट की तो भलाई हो जाएगी, आपके टीममेट को तो मदद मिलेगी। टिप नंबर 43, अगर आप पानी में तैरते हो तो कोशिश ये करो कि पानी के अंदर तैरने की, क्योंकि अगर आप अंदर तैरोगे तो एनिमी आपको स्पॉट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप पानी के ऊपर तैरोगे तो आपको एनिमी इजिली स्पॉट करके मार सकते हैं, तो इसलिए आप अगर पानी से आपको
उस पार जाना है तो आप कोशिश ये करो कि पानी के अंदर से जाने की, अंडर वाटर से जाने की। टिप नंबर 44, अगर लास्ट जोन है और आप अकेले बसते हो तो सांप मत बनो, बल्कि फाइट लेने की कोशिश करो, जिससे क्या पता आपको किल भी मिले और हो सकता है आप मैच जीत भी जाओ। टिप नंबर 45, गेम में एक ऐसा फिक्स प्लेस बना दो जहाँ पे आप हमेशा उतरो और वहाँ पे आपको कोई ना हरा पाए। आप शुरू में दो तीन बार मरोगे, लेकिन आप वहाँ पे जब बार बार उतरोगे तो आपको उस जगह की ज़्यादा जानकारी हो जाएगी, तो आप वहाँ पे इजीली उस प्लेस पे सर्वाइव कर सकते हो। तो कोशिश करो कोई ऐसे फिक्स प्लेस बनाने लें कि जहाँ पे आप हर मैच में उतरो और वहाँ पे आप हर मैच में जीतो। टिप नंबर 47, अगर लास्ट जोन में कोई भी आपके पास कवर नहीं है, आपके पास व्हीकल भी नहीं है, तो आप ग्लू बॉल को एज अ कवर यूज़ कर सकते हो। आप एक ग्लू बॉल लगाओ, फिर उसके आगे जाओ, फिर एक ग्लू बॉल लगाओ, फिर आप वहाँ पे जाओ। ऐसे करके आप इजीली जोन में जा सकते हैं और ग्लू बॉल का यूज़ करके आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। टिप नंबर 48, अगर आपकी एक गन की गोली ख़त्म हो जाती है तो आप उसे रिलोड करने मत बैठो, आप दूसरी गन निकाल के एनिमी को फटाफट मार दो, क्योंकि आप जब तक रिलोड करोगे तब तक तो आपको एनिमी मार देगा। तो कोशिश ये करो कि आपकी एक गन की गोली ख़त्म हो जाती है तो आप दूसरी गन निकाल के अपने एनिमी को मार सकते हो। टिप नंबर 49, हमेशा अगर आप स्क्वाड मैच खेल रहे हो तो कोशिश ये करो कि हमेशा अपने स्क्वाड के साथ रहने का, क्योंकि मैंने पहले बताया था अगर आप अकेले रहोगे तो आपको आपके पीछे अगर कोई भी स्क्वाड पड़ता है तो आप बच नहीं पाओगे। तो कोशिश हमेशा ये करो कि अपने स्क्वाड के साथ रहने का। टिप नंबर 50, अगर आप सोलो मैच ज़्यादा खेलते हो तो मैं आपको एक गन का कॉम्बो बता रहा हूँ जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको दो गन रखना होता है, तो उसमें से आप एक गन रखिए प्राइमरी गन में, एक कोई भी ऑटो गन जैसे स्कारल हो गया, AKM हो गया, और दूसरी गन में आपको कोई भी स्नाइपर रखना है जैसे Kar98 हो गया, AWM हो गया। तो मतलब आपको प्राइमरी गन ऑटो गन रखनी है और सेकेंडरी गन आपको स्नाइपर गन रखनी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।